इवनिंग एवरीवन, रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत चैनल रसायन की पाठशाला में सभी छात्र छात्राओं का मैं पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण टॉपिक आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन लेके आया हूं। बेटा, नाम से तो इसका जो नाम सुन रहे हैं तो कुछ बात ध्यान आ रही है। हमने 11th में आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस पढ़ी हुई हैं। आइडियल गैसेस क्या थी? जो गैस नियम का पालन कर रही थी ताप दाब की सभी कंडीशनों पर। इसी प्रकार नॉन आइडियल गैसेस क्या थी? जो गैस नियम का पालन नहीं कर रही थी। ठीक इसी प्रकार आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे बच्चों, जो राउल्ट नियम को पालन करेंगे, ताप दाब और सांद्रता की सभी कंडीशनों में राउल्ट नियम को ओबे करेंगे, वो आइडियल, और इसके अलावा जो नहीं करेंगे वो नॉन आइडियल। बस हो गया सर जी टॉपिक, जाना है अब हमें, ठीक है ना बेटा? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मैं अपने बच्चों को जब तक इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ना कर दूं तब तक आपको यहां से नहीं उठना है, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट का टॉपिक है बच्चों। इसके नोट्स हो सके तो आप स्वयं बनाएं, क्योंकि जो बच्चे नोट्स खुद बनाते हैं वो नोट्स सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं। वैसे मैं 2-3 दिन में पूरे सॉल्यूशन पार्ट के नोट्स आपको डाउनलोड कर दूंगा, आप उन नोट्सों को लिख सकते हैं। आइए रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल रसायन की पाठशाला में मैं आनंद सरबरिया आपको नया टॉपिक आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा रहा हूं। बच्चों कौन सा? आदर्श, आदर्श व अनादर्श, आदर्श व अनादर्श विलयन। पहले बच्चों इनका कॉन्सेप्ट समझते हैं हम कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए हम कुछ सॉल्यूशन बनाते हैं। एक सॉल्यूशन बनाया बच्चों हमने, इसमें ए और ए के बीच सॉल्यूशन है, ए के मॉलिक्यूल हैं, ए और ए, ये ए का सॉल्यूशन है, एक लिक्विड है, वो लिक्विड प्योर लिक्विड है ए, प्योर लिक्विड ए का सॉल्यूशन है, एक प्योर लिक्विड बी का सॉल्यूशन है, प्योर लिक्विड किसका सॉल्यूशन बच्चों? बी का सॉल्यूशन है, ए और बी का सॉल्यूशन, ये क्या है? प्योर लिक्विड ए, ए टू में भी बांध सकते हैं, और ये क्या है बच्चों? प्योर लिक्विड बी टू, अर्थात ए और बी और बी, इन दोनों का सॉल्यूशन है। इन दोनों सॉल्यूशन को हमने क्या किया? आपस में मिक्स कर दिया और ये बना ए बी ए बी ए बी ए बी, और ये ए बी का एक सॉल्यूशन बन गया, ये एक सॉल्यूशन बन गया जिसमें ए और बी दोनों मिले हुए हैं बेटा, है ना? ये ए बी है। कहानी यहां से चालू होती है बेटा हमारी। कहानी क्या होती है? यहां से प्रारंभ होती है। क्या होना है? यदि इसका वॉल्यूम यदि वी वन है, इसका वॉल्यूम वी टू है, और ये वी टी है टोटल। यदि वी टोटल इक्वल टू वी वन प्लस वी टू है, अच्छा मैं फोकस देख लूं आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा पहले एक बार, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। चलिए आ रहा है ना। यदि v टोटल इक्वल टू v1 प्लस v2 है बेटा, तो हमारा सॉल्यूशन आइडियल होगा। क्या होगा? हमारा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है? नहीं, टोटल जो मिक्स करने पर वॉल्यूम आएगा वो इक्वल आएगा दोनों के, तो हमारा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है। सर जी आप सोच रहे कि सर जी ये तो बात हम जानते ही हैं पहले से। बेटा इससे अलग बात हो सकती है। अभी तक जो हम जानते थे कि 20 ml A को और 20 ml B को मिलाया, 20 ml B को मिलाया तो टोटल सॉल्यूशन बनेगा 40 ml। इसमें कौन सी नई बात है बेटा? ये तो होता ही है। नई बात बच्चों कहानी यहां से चालू होती है अब, कि यदि इसका वॉल्यूम मिलाने पर इक्वल ना आए तब क्या होगा बेटा? क्या कह रहा हूं मैं? इसका वॉल्यूम इक्वल ना आए तब क्या होगा बेटा? ना आए तो कैसे ना आए बच्चों? देखते हैं।
जब ए और ए मिल रहा है बच्चों, इसको इसमें डिसॉल्व किया तो इनके बीच का इंटरेक्शन ब्रेक करना पड़ेगा, इसमें कुछ एनर्जी लगेगी। बी और बी का इंटरेक्शन ब्रेक करना पड़ेगा, इसमें कुछ एनर्जी लगेगी, इसमें कुछ एनर्जी लगेगी, इसमें कुछ एनर्जी लगेगी, ठीक है ना बेटा। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी, क्या होगी, उत्सर्जित होगी, इसमें ऊर्जा उत्सर्जित होगी। यदि इसकी ब्रेक करने की एनर्जी और इसकी ब्रेक करने की एनर्जी, इसमें जो रिलीज एनर्जी है उसके इक्वल हो जाए, अर्थात क्या हो जाए, डेल्टा एच जो है इनको जो मिक्स करने पर आ रहा है वो कैसा आ जाए, जीरो आ जाए, तो हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं आता है बच्चों तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। अलग अलग बातें आ रही बेटा, अभी सबको एक्सप्लेन करना है। यदि हो जाता है तो आइडियल और नहीं होता है तो नॉन आइडियल। और देखें अच्छा बच्चों, इसको पहले इसी कॉन्सेप्ट को समझ लें। अगर हो जाता है तो हम जानते ही थे बेटा अभी तक, नहीं होता है तो कैसे हो रहा है, होगा क्या बच्चों। यहां पे बात कहां से आई है, जब हमने इन दोनों को तोड़ा तो क्या बना बच्चों, ए बना, इन दोनों को तोड़ा तो बना बी। अब जब ए बी बनेगा, क्या मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, जब ए बी बनेगा, अगर ए बी के मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो जाए इनके इंडिविजुअल इंटरेक्शन से, तो मॉलिक्यूल एकदम पास आने का प्रयास करेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो ए बी बन रहा है इसका इंटरेक्शन बहुत हाई हो जाए तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आने का प्रयास करेंगे और वॉल्यूम कुछ कम हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इसका जो इंटरेक्शन है, ए ए बी बी का इंटरेक्शन इनके इंटरेक्शन से बहुत ज्यादा हो, इनके इंटरेक्शन से यदि ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर रहने का प्रयास करेंगे और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही ना बच्चों, वॉल्यूम बढ़ जाएगा अर्थात वॉल्यूम इक्वल नहीं भी हो सकता है। अभी तक जो हमने गणनाएं पढ़ी थी उसमें एक नई कहानी आ गई है, ये वॉल्यूम जो है ना बेटा, यह वॉल्यूम इक्वल नहीं भी हो सकता है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में, जो अंतरणविक आकर्षण बल है उसमें परिवर्तन के कारण वॉल्यूम कम और अधिक भी हो सकता है। अंतरणविक आकर्षण बल यदि कमजोर हो जाएगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे और वॉल्यूम मिक्स करने पर बढ़ जाएगा। अंतरणविक आकर्षण बल यदि मजबूत होगा तो मिक्स करने पर वॉल्यूम पास पास भी आ सकते, मॉलिक्यूल पास पास भी आ सकते हैं, जब पास पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और यदि अंतरणविक आकर्षण बल इक्वल होगा तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अर्थात तो तीन कंडीशन होंगी बच्चों हमारी, तीन कंडीशन क्या क्या हो गई कि ए ए का इंटरेक्शन, बी बी का इंटरेक्शन और ए बी का इंटरेक्शन, इन दोनों को मिलाने पर इनका जो इंडिविजुअल इंटरेक्शन है वो इससे बराबर हो सकता है, इससे कम हो सकता है और इससे ज्यादा हो सकता है। यदि बराबर होगा तो हम अभी तक पढ़ ही रहे थे बच्चों, वो आइडियल सॉल्यूशन होंगे। लेकिन यदि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे कम है, अर्थात इसका ज्यादा है, ए बी का ज्यादा है, तो क्या होगा बच्चों, मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। जब ये ज्यादा इंटरेक्शन है मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे और जो डेल्टा वी का मान आएगा मिक्सिंग का वो लेस देन जीरो आ जाएगा। क्या जाएगा बच्चों, लेस देन जीरो आ जाएगा। और यदि इसका इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर आएंगे और जो वॉल्यूम होगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा। इन सभी बातों को लेकर बच्चों, इन सभी बातों को एक साथ लेकर हम आदर्श और अनादर्श विलयन को समझेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट कहां से चालू होता है बच्चों, मुख्य बात कहां से चालू होती है, इनके मिलाने पर, इनके फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से अर्थात अंतरणविक आकर्षण बल से आदर्श और अनादर्श विलयन की कहानी प्रारंभ होती है बेटा, और इनकी ऊर्जा से भी कहानी प्रारंभ होती है। चलिए सबसे पहले हम आदर्श विलयन की व्याख्या करते हैं बच्चों, आदर्श विलयन क्या होते हैं, ठीक है ना, इसको मिटा दें, चलिए मिटाते हैं ये बच्चों। हम आदर्श विलयन की चर्चा करते हैं कि आदर्श विलयन क्या होते हैं, कौन से विलयन बच्चों, आदर्श विलयन क्या होते हैं, आदर्श विलयन क्या होंगे। अभी हमने आपको बताया था होगा क्या, पहली बात तो ये जो विलयन होंगे, जो लिक्विड ए, इसमें क्या होगा बच्चों, लिक्विड ए और लिक्विड बी वो होगा
वो आपस में कैसे होंगे बच्चों, पूर्णतः मिश्रणीय होंगे। क्या होंगे बच्चों? पूर्णतः मिश्रणीय द्रव होंगे, अर्थात पूर्णतः मिश्रणीय द्रवों का ऐसा विलयन जो ऑल टेम्परेचर और प्रेशर पर, ऑल टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या होगा, सभी ताप और दाब पर राउल्ट नियम का पालन करेंगे। किसका बच्चों? राउल्ट नियम का पालन करेंगे, अर्थात ताप दाब कोई भी होगा इनको मिलाएंगे तो पूर्णतः मिलेंगे और राउल्ट नियम को वो भी करेंगे। ये वह सभी विलयन कौन से विलयन कहलाएंगे बच्चों? आदर्श विलयन कहलाएंगे। फिर मैं वो बात कर रहा हूं जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था बच्चों हमने, उसकी बात दोबारा करते हैं। पहले हम देखते हैं बच्चों इनकी विशेषताओं में, देखते हैं इनकी क्या देखें, विशेषताएं, विशेषताएं देख रहे हैं। पहली विशेषता है तो यही हो गई है, राउल्ट नियम का पालन करेंगे, ताप दाब की सभी सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन कर रहे हैं, अर्थात इनके लिए जो पीए होगा टोटल होगा पी इक्वल टू होगा पीए प्लस पीबी और हो जाएगा पी नॉट ए इंटू ईटा ए प्लस पी नॉट बी इंटू ईटा बी। बेटा ईटा ए ईटा बी चूंकि नॉर्मल हम कहते हैं, सही शब्द यही है ईटा या जीटा, लेकिन व्यवहारिकता में से एक्स बोल देते हैं, वैसे इसको क्या बोलते हैं, ईटा या जीटा, ये मोल फ्रैक्शन है ये, अर्थात ये क्या होगा इनके लिए, ये राउल्ट नियम को ओबे करेंगे तो पी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होगा, यानी टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर के इक्वल होगा, इसका अलग वेपर प्रेशर, इसका अलग वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर के इक्वल होगा और राउल्ट नियम को ओबे करेंगे। दूसरा सेकेंड आता है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या आएगा बच्चों? जो ए ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और जो बी बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इक्वल होगा ए बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। क्या होगा बच्चों? ए ए बी बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इंडिविजुअल वो किसके इक्वल होगा? ए बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होगा, अर्थात इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो बराबर होगा, टोटल अट्रैक्शन इक्वल आएगा, है ना। तीसरा तीसरा आता है डेल्टा एच मिक्सिंग, और जब इनको मिक्स करेंगे बच्चों तो इनको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी, अर्थात इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी, ये जो एनर्जी होगी वो इसके इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी बच्चों? इनको आपस में जोड़ने के लिए, मतलब इनको ब्रेक करने की एनर्जी और ये आपस में जब एक दूसरे से मिल रहे हैं उनकी एनर्जी, इसको ब्रेक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और ये जो बना उसके बाद निकलने वाली ऊर्जा, दोनों ऊर्जाएं कैसी होंगी? एंथैल्पी के फॉर्म में लिखना बेटा, एंथैल्पी के फॉर्म में लिखेंगे, दोनों ऊर्जाएं बराबर होंगी। तो अगर इनमें से माइनस करेंगे इनको तो आंसर बच्चों शून्य आएगा, अर्थात जब इनको मिक्स करेंगे तो टोटल एंथैल्पी चेंज जीरो होगी बेटा, है ना। चौथा क्या होगा ये हम बता चुके हैं, यदि इनको मिक्स करेंगे और वी निकालेंगे तो कैसा आएगा, इनको मिक्स करने पर वी की वैल्यू भी जीरो होगी। कहानी तो यहीं से चालू हुई थी, अर्थात जब मिक्स करेंगे तो जितना वॉल्यूम ए का होगा जितना वॉल्यूम बी का होगा, सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम ए और बी के वॉल्यूम के इक्वल होगा। जैसे हमने ए का वॉल्यूम अगर है 20 ml, बी का वॉल्यूम अगर है 60 ml, अब जो सॉल्यूशन बनेगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा 80 ml, कितना होगा? ये तो कोई बात सिंपल सी बात है बेटा, ये तो मान के चलना अभी तक, इसका वॉल्यूम कितना होगा? 80 ml होगा। एक बात और है बच्चों, जब भी इनको मिक्स करेंगे, जब भी दो कंपाउंड्स को मिक्स करेंगे, दो लिक्विड को मिक्स करेंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएंगे बच्चों? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे तो जो सॉल्यूशन ओवरऑल होगा, ओवरऑल सॉल्यूशन की जो एंट्रोपी होगी डेल्टा एस, वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, ग्रेटर देन जीरो आएगी, क्योंकि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रही थी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो इनकी एंट्रोपी कैसी होगी बच्चों? ग्रेटर देन जीरो होगी। एक और इसकी प्रॉपर्टी है बच्चों, तो डेल्टा जी होगा, जब भी दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, हमने लिखा है पूर्णतः मिश्रणीय द्रव है, अर्थात ये एक दूसरे में मिक्स होते रहेंगे, जब तक ये मिक्स होते रहेंगे मिक्सिंग की प्रोसेस चालू रहेगी,
और जब तक मिक्सिंग की प्रोसेस चालू रहेगी इसकी वैल्यू लेस देन जीरो आएगी, क्योंकि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होती है, इनकी मिक्सिंग की प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, अपने आप होगी, कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है उसके लिए डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है। तो ये आइडियल सॉल्यूशन की विशेषताएं थी बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, पांच कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं। सबसे पहला क्या हुआ, रॉल्ट नियम को ओबे करते हैं। दूसरा क्या हुआ बच्चों, दूसरा हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इंडिविजुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दोनों का अलग अलग, इनका जो सम आएगा वो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होगा। दूसरी बात, डेल्टा एच मिक्सिंग, अर्थात इनको मिक्स करने पर जो एनर्जी रिलीज होगी, वो इसको मिक्स करने पर जो एनर्जी रिलीज होगी और जो एनर्जी ब्रेक करने के लिए लगेगी, दोनों एनर्जियां सेम होंगी और जब मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होगा। मिक्स करने पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ने से बच्चों इनकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी, क्योंकि यह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के कारण डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, लेस देन जीरो आएगी। ये जो दो बातें हैं बच्चों, ये दो बातें सभी तरह के सॉल्यूशन में होंगी, एक आध बार और बताएंगे, बकाया सब के लिए कॉमन है, इसलिए सामान्यतः बुक्स में दी नहीं रहती है, मैंने अभी बता दिया, एक आध बार और बताएंगे। तो ये आपको समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, एक ग्राफ से समझाते हैं बेटा कि आइडियल सॉल्यूशन में ग्राफ किस प्रकार का बनेगा, कर्व से समझाते हैं। इसको मिटा देना बेटा, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं बच्चों। ए और बी लिक्विड के मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच जो कर्व आएगा आइडियल सॉल्यूशन के लिए वो बनाते हैं हम। हमने माना यहां पे मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन, और यहां पे बच्चों है वेपर प्रेशर। ये मान लिया हमने, यहां पे हमारा प्योर बी लिक्विड है, कौन सा है बच्चों, प्योर बी लिक्विड है, और यहां पे प्योर ए लिक्विड है, अर्थात एक्स बी की वैल्यू यहां पे 1 है और यहां एक्स बी की वैल्यू 0 है, और चूंकि यहां पे ए है तो एक्स ए की वैल्यू 1 हो गई बेटा और एक्स ए की वैल्यू 0 हो गई। प्योर बी है तो पी नॉट बी हमने मान लिया, पी नॉट बी का वेपर प्रेशर ये है, इसी क्रम में बच्चों पी नॉट ए मान लें हम, और पी नॉट ए का वेपर प्रेशर ये है, कम बड़ हो सकते हैं बेटा, किसी का भी ज्यादा हो सकता है। अगर ये सॉल्यूशन राउल्ट नियम को ओबे करते हैं तो ए सॉल्यूशन के लिए बच्चों बनेगा क्या, बनेगा पी ए इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए इंटू, पी नॉट ए इंटू एक्स ए हो जाएगा, और यदि बी के लिए बनाएंगे बेटा तिरछा हो रहा है ना, तो पी बी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी हो जाएगा, और जब ये दोनों मिलेंगे, जब ये दोनों क्या करेंगे मिक्स करेंगे बच्चों, जब इन दोनों क्या करेंगे मिक्स करेंगे तो पी इक्वल टू हो जाएगा पी ए प्लस पी बी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, किस पर बच्चों, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यानी क्या हो जाएगा ये पी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पी ए इक्वल टू, और पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों पी नॉट बी इंटू एक्स बी और पी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अर्थात जब भी आइडियल सॉल्यूशन होगा उसमें मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बीच का जो कर्व आएगा वो इस तरह का बनेगा बेटा, है ना। जैसे 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 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर, जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बनाएंगे वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, है ना। ये हमने पढ़ा हुआ था पहले से, ये आप इसको भी बना लेना है बेटा। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं किसके, आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लिया बच्चों हमने हेक्सेन और हेप्टेन, हेक्सेन और हेप्टेन। अभी इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं बच्चों, एक हम ले रहा है मिथेनॉल और इथेनॉल, और एक और ले रहा है बच्चों
मिथाइल बेंजीन वाला ले लें बेटा, एक बेंजीन वाला ले लें, क्लोरो बेंजीन और ब्रोमो बेंजीन, एक और ले ले रहा है इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड। नॉर्मली आइडियल सॉल्यूशन बेटा वो बनाएंगे जिनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्रोक्स इक्वल होंगे। वैसे व्यवहार में बच्चों, व्यवहार में कोई भी विलयन या कोई भी दो लिक्विड जो बनेंगे आदर्श नहीं बनता, आदर्श नहीं बनता, अर्थात जो हम एक्चुअली की बात करेंगे तो कोई भी विलयन आदर्श नहीं बनता है, फिर भी इसके अप्रोक्स इक्वल आ जाते हैं कुछ विलयन जिनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्रोक्स सिमिलर होते हैं, अर्थात जब उनको मिक्स करेंगे तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उसके इक्वल होगा, मिक्सिंग के पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मिक्सिंग के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो नियर अबाउट इक्वल होता है। तो ज्यादातर नियरली सॉल्यूशन लिए जाते हैं, जो एलिमेंट्स होंगे जो कंपाउंड्स होंगे वो अगर होमोलोगस सीरीज के होंगे ज्यादातर, और वो कंटिन्यू मेंबर होंगे ज्यादातर, क्या होंगे बच्चों होमोलोगस सीरीज के होंगे और नेक्स्ट मेंबर होगा या उससे पहले का मेंबर होगा। अगर मेंबरों के बीच गैप करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में अंतर आ जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा, पहला एग्जाम्पल लिखा है बच्चों इथेनॉल और मिथेनॉल, इथेनॉल और मिथेनॉल, चूंकि इन ये जो दोनों हैं इनकी जो पोलैरिटी होगी, इनकी जो पोलैरिटी होगी वो नियरली सेम होगी, क्योंकि मिथाइल और इथाइल ग्रुप की साइज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो वंडरवाल फोर्स भी क्या होगा बच्चों, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कैसा होगा, नियरली सेम होगा, अर्थात इनका इंडिविजुअल अट्रैक्शन जो होगा वो इनको मिलाने पर जो अट्रैक्शन हो रहा है उसके नियरली सेम होगा, इसलिए इनका सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। अर्थात क्या होगा, इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और जो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इन दोनों को मिलाने पर जो मिक्सचर बना है उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होगा, क्या होगा उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होगा, इसलिए ये आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। अगला एक और लिखा है एग्जांपल बच्चों, इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड, फिर वही पोलैरिटी भी नियर अबाउट सेम होती है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सेम होगा, इसलिए क्या होगा, इसलिए ये भी आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। क्लोरो बेंजीन और ब्रोमो बेंजीन भी आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, ये भी हेक्सेन और हेप्टेन एल्केन सीरीज के मेंबर हैं, लगभग क्रमागत मेंबर हैं, के बाद हेप्टेन आता है इसलिए भी बनाते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि C2H5F और C2H5I क्या ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, अभी तो हमने कहा ये तो बना रहा है बच्चों C2H5Br और C2H5Cl यही तो आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, क्या ये भी आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, आंसर आपका होगा बच्चों ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन बताती है इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बहुत अंतर आ गया बच्चों। पहली बात तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत डिफरेंस हो गया, जब ईएन में डिफरेंस हो गया तो इनकी पोलैरिटी में अंतर आ गया, क्या हो गया बच्चों इनकी इनकी पोलैरिटी में अंतर आ गया, क्या हो गई चेंज, क्या हो गई चेंज, क्या हो गई बच्चों इनकी पोलैरिटी चेंज हो गई। दूसरी बात ये आई है ना इसका साइज कैसा है, साइज बड़ा है, आई का साइज कैसा है बड़ा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा इसमें, किसमें सी टू एच फाइव आई में, अर्थात जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कहानी थी वो यहां बदल गई है, यहां नियर अबाउट सेम है, यहां नियर अबाउट इक्वल नहीं है, एक बिल्कुल एकदम इक्वल नहीं है, तो मैं पहले बता चुका कोई भी आदर्श विलयन नहीं होता है, लेकिन नियरली सेम होने के कारण ये आइडियल सॉल्यूशन की भांति व्यवहार करेंगे, इनका सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन की भांति व्यवहार नहीं करेगा। ठीक इससे उल्टी अगर फिनोमेना आएगी बच्चों जो इन सब बातों को वो भी नहीं करेंगे, जो अच्छे बच्चे की भांति व्यवहार नहीं करेंगे, ये तो अच्छे अच्छे बने हुए बच्चे हैं, क्या था बच्चों उन्हें के लिए, पहली बात तो राउल्ट नियम को वो भी कर रहे थे, अर्थात पी इक्वल टू क्या था, पी ए प्लस पी भी था, डेल्टा वी मिक्सिंग करने पर क्या था, डेल्टा वी मिक्सिंग करने पर जीरो हो रहा था,
डेल्टा एच कैसा हो जाता है बच्चों मिक्सिंग करने पर, जीरो हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका, ए और बी बी का इक्वल था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी के, ये भी था। इसके अलावा क्या था, जो डेल्टा एस थी वो ग्रेटर देन जीरो थी और डेल्टा जी थी वो लेस देन जीरो थी। ये दोनों सभी सॉल्यूशन में होंगे, इनमें चेंज नहीं होना है, नॉन आइडियल में भी चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर कोई सॉल्यूशन नॉन आइडियल होगा तो इज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, अर्थात जो टोटल प्रेशर हम काउंट करेंगे अब सॉल्यूशन का, उस प्रेशर में कोई चेंज हो जाएगा बेटा। क्या होगा, वो जो प्रेशर आएगा इंडिविजुअल ए का और बी का जो प्रेशर आएगा वो अलग होगा टोटल प्रेशर से, ठीक है ना। मतलब एक तो टोटल प्रेशर हम नॉर्मली काउंट करेंगे, एक राउल्ट लॉ से काउंट करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट से काउंट करेंगे, उनमें अंतर आ जाएगा। अगर उनमें अंतर आ रहा है तो हमारा सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो जाएगा। इनको मिलाने पर ए ए और बी बी का इंटरेक्शन अगर ए बी से ज्यादा हो जाए, क्या कह रहा हूं मैं, इंडिविजुअल इंटरेक्शन बिलियन बनने के बाद के इंटरेक्शन से ज्यादा हो जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा बेटा। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो जाएगा। इंटरेक्शन कम भी हो सकता है, अर्थात जब कम हो जाएगा तो निश्चित बात है वो भी नॉन आइडियल होगा, अर्थात ये भी चेंज नहीं होगा। जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में अंतर आ गया तो इनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी आएगी और वो इनके बनने पर जो टोटल एनर्जी निकलेगी उसमें भी चेंज आ जाएगा बेटा। जब उसमें चेंज आ जाएगा तो ये भी जीरो के इक्वल नहीं होगी, अर्थात ये जो कंडीशनें होंगी तो सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा क्या, नॉन आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो राउल्ट नियम को ओबे कर रहे थे वो आइडियल और जो ओबे नहीं कर रहे नॉन आइडियल। अब हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन बच्चों दो प्रकार के होते हैं। इज नॉट इक्वल टू का मतलब हुआ, इज नॉट इक्वल टू का मतलब उससे ज्यादा भी हो सकता है उससे कम भी हो सकता है। क्योंकि बच्चों इस टॉपिक का समय ज्यादा हो गया है, अगले कालांश में इस अध्याय का जो अंतिम टॉपिक होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो प्रकार के डेविएशन होते हैं बच्चों, पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन, उनको लेके आएंगे। तब तक इसके कॉन्सेप्ट बच्चों आप पढ़िए, अगर कोई समस्या आती है व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के मैसेज बॉक्स के माध्यम से मैसेज अवश्य कीजिए, आपकी सभी शंकाओं का सटीक समाधान किया जाएगा।